हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइकिल ट्रेवलिंग दिल्ली में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही अच्छी लोकेशन पे लेके आए। लोकेशन का नाम है फिरोजशाह का कोटला। दोस्तों, यह जगह फिरोजशाह तुगलक कोटला फोर्ट के नाम से भी जानी जाती है। दोस्तों, बात करें यहाँ की लोकेशन की, तो जो बहादुर शाह जफर मार्ग के पास में ITO मेट्रो स्टेशन अरुण शाह जेटली स्टेडियम के पास पड़ता। दोस्तों, बात करें यहाँ टाइमिंग की, तो सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज ढहने के बाद ये बंद हो जाता है और हफ्तों के 7 दिन ये खुला रहता है। दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पार्किंग की, तो पार्किंग टिकट खिड़की के पास बिल्कुल पार्किंग फ्री है। यहाँ आप अपनी मोटरसाइकिल फोर व्हीलर खड़ी कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं लगता है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें, सारी जानकारी मिलेगी फिरोजशाह कोटला के बारे में। दोस्तों, यहाँ के मूल निवासी लोगों का कहना है फिरोजशाह कोटला में जिन्नों का साया है। दोस्तों, बात करें यहाँ नियर मेट्रो की, तो नियर मेट्रो ITO है। ITO मेट्रो से आप यहाँ इजीली ऑटो से 5 मिनट में आ सकते हैं। दोस्तों, बात करें यहाँ टिकट प्राइस की, तो टिकट की कीमत है ऑफलाइन 25 रुपये, ऑनलाइन 20 रुपये, और विदेशी लोगों के लिए ऑनलाइन है 300 रुपये, ऑफलाइन 250 रुपये। दोस्तों, यहाँ पर टिकट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं, मैंने अपना टिकट ले लिया। अब चलते हैं आगे फिरोजशाह कोटला में, आगे की जानकारी आपको देते हैं। दोस्तों, फिरोजशाह कोटला का ये एंट्री गेट है, यहाँ से हम एंट्री करेंगे। लेकिन एंट्री करने से पहले आपको सिक्योरिटी को अपना टिकट चेक कराना होगा, उसके बाद ही आप एंट्री कर पाएंगे। दोस्तों, देख सकते हैं आप वीडियो में। दोस्तों, फिरोजशाह कोटला लगभग 80% यहाँ की इमारत खंडर हो चुकी है, टूट चुकी है, देख सकते हैं आप वीडियो में। दोस्तों, दिल्ली की सबसे पुरानी इमारत में ये इमारत मानी जाती है। 1354 ईस्वी में इसको फिरोजशाह तुगलक के द्वारा ये कोटला बनाया गया था। दोस्तों, फिरोजशाह तुगलक ने अपने चाचा मोहम्मद बिन तुगलक से जंग जीत कर ये छीन कर इस जगह का निर्माण किया था 1354 ईस्वी में। दोस्तों, इस किले का निर्माण राजधानी में जब पानी की कमी पड़ रही थी तब इसका निर्माण किया गया था। दोस्तों, बताते हैं यहाँ के लोग कि यहाँ पर गुरुवार के दिन में आस्था के लिए प्रेयर की जाती है। बताते हैं यहाँ पर जो मांग आप मुराद मानोगे वो आपकी पूरी होगी, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं जिन्नों का साया है। दोस्तों, जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग में आपको अशोक का स्तंभ दिखाई देगा। देख सकते हैं आपको ये सीधा खंभा की तरह खड़ा हुआ अशोक का स्तंभ है। दोस्तों, इस किले के अंदर आपको एक मस्जिद दिखाई देगी। दोस्तों, वहाँ जाने के लिए आपको यहाँ पर जूते उतारना होगा। दोस्तों, और ये उसका एंट्री गेट है, द्वार है, यहाँ से हम अंदर चलेंगे। दोस्तों, दिखाएंगे अंदर मस्जिद, और अंदर मस्जिद 5 वक्त की यहाँ पर नमाज भी होती है, कुछ लोग यहाँ पर नमाज भी पढ़ रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में। दोस्तों, फिरोजशाह कोटला में आपको एक गार्डन दिखाई दे रहा होगा जो साइड से है, लेकिन वो इसी में ही है, वो उसका रास्ता अलग से है। आप वीडियो में देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा ऊंचाई से लग रहा है, हम आपको दिखाएंगे उसको। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये है वो खुली हुई मस्जिद, जो फिरोजशाह तुगलक ने इस मस्जिद का निर्माण किया था, और यहाँ पर नमाज भी होती है, लोग नमाज भी पढ़ते हैं यहाँ पर, कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, देख सकते हैं आप बैठे हुए हैं नमाज के लिए। दोस्तों, यहाँ पर लगभग 40% एरिया को बंद किया गया है। दोस्तों, वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं है। दोस्तों, वहाँ पर जाल लगाए गए हैं दोस्तों, ताकि कोई अंदर जा नहीं सके। काफ़ी यहाँ पर एरिया को बंद किया गया है। दोस्तों, ये मस्जिद के जाने के लिए ये सीढ़ियाँ हैं। दोस्तों, देख सकते हैं आप, यहाँ से आप मस्जिद की तरफ जा सकते हो। यहाँ पर मस्जिद के बारे में कुछ जानकारी लिखी है, पढ़ सकते हैं आप वीडियो को रोककर। दोस्तों, लोगों का मानना है गुरुवार के दिन यहाँ पर कुछ खास लोग यहाँ पर आते हैं, कुछ मन्नतें मांगने आते हैं, क्योंकि बताते हैं यहाँ पर जिन का भी कुछ साया है।
दोस्तों यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे बावली, जो पानी को स्टोरेज करने के लिए बनाई गई थी बावली, देख सकते हैं आप। लेकिन इसको सारा कवर कर रखा है, बंद कर रखा है, यहाँ पर जाना वर्जित है, मना है। लेकिन मैं आपको वीडियो के कैमरे के जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पर किस तरीके से पानी को स्टोरेज कर रखा है, किस तरीके से निकाला जाता है, आप देख सकते हैं वीडियो में। दोस्तों फिरोज शाह कोटला इमारत पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है, खंडर हो चुकी है, देख सकते हैं आप। कुछ ही हिस्से बचे हैं जो साबुत हैं, बाकी सारा कुछ टूट चुका है, आप देख सकते हैं वीडियो में। दोस्तों अब मैं आपको लेकर चलता हूँ फिरोज शाह गार्डन में। दोस्तों इसका द्वार अलग है, इसकी एंट्री चार्ज कोई नहीं लगती है, लेकिन इसका द्वार अलग है, आपको अलग से जाना होगा। दोस्तों देख सकते हैं ये है फिरोज शाह गार्डन, यहाँ पर काफ़ी साफ़ सफाई अच्छी तरीके से है। दोस्तों अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, इसका कोई टिकट चार्ज नहीं लगता, इसका अलग द्वार है। दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पर अपने बच्चों के साथ घूम सकते हैं, देख सकते हैं आप कितनी हरियाली है, कितनी साफ़ सफाई की यहाँ पर व्यवस्था है। दोस्तों आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आने वाले समय में और बेहतर जगहों की वीडियो की डिटेल के साथ मैं आपको जानकारी दे सकूं। थैंक्स, धन्यवाद।